हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। एचपीएससी ने, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने, एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। बहुत अच्छे लेवल की वैकेंसी है। यदि आप जानना चाहते हैं किन पदों पर भर्ती आई है, क्या योग्यता है, क्या पूरा मामला है, यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नॉलेज टीवी देसी ताऊ यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आपका एक लाइक मुझे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करेगा। और यदि आप में से कोई साथी सीईटी मेन्स की तैयारी कर रहा है और बैच ज्वाइन करना चाहता है सीईटी मेन्स के लिए, तो केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर बैच उपलब्ध है। कॉमर्स से रिलेटेड भी है, आपके ग्रेजुएशन कॉमन का भी है और ट्वेल्थ कॉमन का भी है, फायरमैन का भी है, एएलएम का भी है, बाकी अनेक प्रकार के कोर्सेज हैं। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो केटीडीटी ऐप पे आप डेमो देख सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर है यदि आपको कुछ जानकारी लेनी है तो। ठीक है, तो अब चलते हैं जी हम भर्ती के ऊपर। तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि एचपीएससी ने यह भर्ती निकाली है। ठीक है, इसके अंदर टोटल वैकेंसी 35 है, 35 वैकेंसी है। पोस्ट का नाम है ट्रेजरी ऑफिसर और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर। दो प्रकार की पोस्ट है, एक है टीओ और एक है एटीओ। 35 वैकेंसी है। ठीक है, जॉब लोकेशन आपकी हरियाणा रहेगी। फॉर्म आपको ऑनलाइन तरीके से अप्लाई करना है। यदि आप में से कोई साथी इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहता है तो फीस कितनी लगेगी? मेल कैंडिडेट है जनरल का या फिर अदर स्टेट का, तो 1,000 रुपये फीस लगेगी। यदि कोई मेल है या फीमेल है अदर स्टेट की, 250 रुपये फीस लगेगी जी। फिजिकल हैंडीकैप है हरियाणा का, कोई फीस नहीं है जी। ठीक है, और फीस आपको ऑनलाइन तरीके से ही जमा करवानी है। ऑनलाइन मोड में ही आपकी फीस भरी जाएगी। फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं जी? 14 अप्रैल से। लास्ट डेट क्या है जी? 28 अप्रैल। 14 अप्रैल से 28 अप्रैल। ठीक है, यदि हम एज लिमिट की बात करें तो 18 से 42 साल इसमें एज लिमिट मांगी गई है। एज की जो काउंटिंग है वो आपकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है जो कि 28 अप्रैल है, इस डेट से काउंट की जाएगी आप कितने साल के होते हो। ठीक है, और जो छूट होती है दोस्तों, कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन दिया जाएगा है हरियाणा सरकार के द्वारा, वो आपको अलग से दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ट्रेजरी ऑफिसर की 5 पोस्ट है। ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद दूसरी पोस्ट है असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर एटीओ, इसके अंदर 30 वैकेंसी है। ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो यदि आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है, आपकी एज की कंडीशन पूरा करते हो आप इस भर्ती के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज अलग अलग से बता रखी है कि किस पोस्ट की कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसी है। यहाँ पे आपका रिटन एग्जाम होगा, 3 पेपर होंगे, 3 घंटे के, 3-3 घंटे के। 100 नंबर का एक पेपर रहने वाला है। इंटरव्यू भी होगा इसके अंदर 40 नंबर का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जाम होगा। और ये आपकी भर्ती है। इस भर्ती का जो सिलेक्शन प्रोसेस है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल आप देख सकते हैं। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है, लास्ट डेट मैंने आपको बता ही दी है। यदि किसी को कोई हेल्पलाइन नंबर पे बात करनी है, किसी प्रकार की कोई जानकारी लेनी है, तो एचपीएससी ने अपने नंबर जारी कर रखे हैं, आप इन नंबरों पर बात कर सकते हैं। ठीक है जी, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन। बैचलर डिग्री मांग रखी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बैचलर डिग्री कोई भी हो। ठीक है, बैचलर डिग्री कोई भी हो। पे स्केल इसमें रहेगा, लेवल 9 की सैलरी है वो दी जाएगी। जो आपकी टीओ के लिए है लेवल 9 की सैलरी है, जो असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर है एटीओ है उसके लिए लेवल 7 की सैलरी दी जाएगी। ग्रुप बी की ये वैकेंसी है दोस्तों। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन आप यहां पे देख सकते हैं, पेपर 1 होगा इसमें, प्रीसियस राइटिंग है, पेपर 2 जनरल नॉलेज है और एवरीडे साइंस भी उसके अंदर रहेगी, पेपर 3 है गवर्नमेंट अकाउंट्स फ्रॉम चैप्टर 1 टू 8। स्पेशल बुक बता रखी है, उस के हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे पेपर के लिए टाइमिंग बता रखी है, कितने नंबर का एक पेपर होगा, मिनिमम कितने नंबर लेने जरूरी है वो भी आपके यहाँ पे बता रखे हैं। इंटरव्यू आपका 40 नंबर का होगा। टोटल जो एग्जाम है
जैसे 300 नंबर के तो पेपर हो गए, 100 के तीन और 40 नंबर का इंटरव्यू, 340 नंबर का यहाँ पे हो गया। 33% इन ईच सब्जेक्ट एंड 40% इन टोटल ऑल ओवर। 33% हर पेपर में लेना जरूरी है और ऑल ओवर में 40% नंबर लेना जरूरी है। पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगा, ठीक है। तो ये मामला है, बाकी सिलेक्शन प्रोसेस की अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, पूरा पूरा पैटर्न क्या है, क्या कुछ लेना देना है इसमें। तो ये भर्ती थी आपकी, 14 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। यदि आपके पास एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, तो आप जरूर अप्लाई कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।